ईश्वर की अनुकंपा एवं श्री प्रभु राम के नाम का प्रताप है जो इन कुछ ही मास में मैं रामायण के 24 सहस्त्र छंदों में श्री राम के चरित्र को सहजने में सक्षम हो पाया। अब प्रतीक्षा तो बस प्रभु के इस पावन चरित्र को संसार में प्रसारित और प्रचारित करने वाले की है। शिशुओं का तन लग रहा है जैसे सारा वातावरण ही खिल उठा हो। ये शिशुओं के रुदन की ध्वनि कितनी मनमोहक और लुभावनी लग रही है। ऋषिवर दो सुंदर बालक जन्मे हैं और दोनों ही स्वस्थ हैं। अब तो आनंद छा जाएगा यहाँ, शिशुओं की किलकारियां गूंजेंगी यहाँ। हाँ, जन्म दिए दो शिशु सीता, हर्षित झूमे नृत्य कपीशा, अति उल्लासित श्री हनुमाना, वाल्मीकि पर नाम श्री रामा। कुटिया पे तितली मंडराए, पंछी कलरव गान सुनाए, मधुर रुदन त्रिलोक महगूंजी, श्रवण से उल्लासित मगौरी। शिशुओं का जन्म हो चुका है, अब तो उनके भक्षण में और भी आनंद आएगा। नृत्य कर रहा है वानर, इतने समय से ये ढीठ वानर यहीं खड़ा है। तुम जैसे ही हटोगे वानर, ये शिशुओं की किलकारियां मृत्यु के क्रंदन में परिवर्तित होते देर नहीं लगेगी। माता आ रही हैं। मैं कैसे दर्शन करूं शिशुओं का, एक झलक ही मिल जाए। कैसे होंगे नन्हे से सुंदर से कोमल शिशु, प्रभु के जैसी छवि होगी उनकी या फिर माता के जैसा मुखड़ा। इनका मुखड़ा देखने के लिए कोई तो युक्ति लगानी होगी। यहां से भी नहीं देख पा रहा हूं, कैसे देखूं, क्या करूं मैं? पितृवर, ये आपके नाती, आप नाना बन गए हैं। सर्वप्रथम इन्हें प्रभु के श्री विग्रह के दर्शन कराओ, आशीष दिलाओ इन्हें उनका। Ram 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 Ram
ये क्या था? जैसे दो नन्हे शिशुओं का स्पर्श, किंतु यहां तो कोई नहीं है। इन पर किसी की कुदृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पितृवर, आपने कोई शुभ नाम सोचा है अपने नातियों के लिए? इनके नाम प्रभु के संतानों का नामकरण? मैं क्यों नहीं हूं वहां? ये कैसे विवशता है? नहीं नहीं, अब नहीं रह सकता मैं यहां। हनुमान आपको वचन देता है कि यह हनुमान आपकी संतानों के समक्ष या आश्रम में या आपके कक्ष की ड्योढ़ी के भीतर कभी अपने सत्य स्वरूप में नहीं आएगा। मैंने माता सीता को वचन दिया है कि मैं आश्रम के भीतर प्रवेश नहीं करूंगा। अच्छा, तो वानर के लिए आश्रम में प्रवेश वर्जित है। यदि मैं आश्रम में प्रविष्ट हो गया तब ये वानर मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकता। सोच क्या रहे हैं पितृवर? नाना है आप इनके, धर्म निभाइए नाना का। कोई शुभ नाम रखकर आशीर्वाद दीजिए इन्हें। इन्होंने तो स्वयं ही अपने नाम चुन लिए। कुशा बहुत ही पवित्र होता है। इन दोनों ने स्वयं ही कुशा को पकड़कर संकेत दिया है। इन चिरंजीव ने कुशा का ऊपरी भाग पकड़ा था, अतः इनका शुभ नाम होगा कुश। और इन भाग्यवान ने निम्न भाग पकड़ा है, अतः इनका शुभ नाम होगा लव। इन जुड़वा भाइयों को लव कुश के नाम से जानेगा यह सारा संसार। लव कुश, लव कुश, लव कुश, लव कुश। बहुत ही सुंदर और प्रिय नाम है लव कुश। प्रभु को ज्ञात होगा तो वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। मैंने नाम तो सुन लिया किंतु दर्शन अभी तक नहीं हो पाए हैं। कैसे होंगे लवकुश? मन करता है दोनों को अपने हृदय से लगा लूं, जहां मेरे प्रभु श्री राम बसे हैं। आत्मा कितनी भी तड़पे किंतु मैं माता का वचन नहीं तोड़ूंगा, कदापि नहीं। मेरी ये दशा हो रही है, यदि प्रभु को ज्ञात हुआ तो उनकी व्यथा, उनकी विवशता की तो कोई सीमा ही नहीं होगी। आज मेरा हृदय इतना व्याकुल क्यों हो रहा है? इतने मास बीत गए किंतु आज एकाएक मुझे शिशुओं का आभास क्यों हो रहा है? अवश्य ही मेरी सीते मुझे बहुत अधिक स्मरण कर रही है। मेरी सीते की मुझे एक झलक मिल जाए बस। एक झलक ही मिल जाए लव कुश की तो हनुमान का हृदय शांत हो जाए। माता, अब आप ही मुझे लव कुश के दर्शन कराइए। लव कुश, सुंदर,
तेजस्वी, मनमोहक, मेरी माता के पुत्र। पुनः ये वानर आ गया मध्य में। कितनी भी बाधा उत्पन्न कर ले ये वानर, कितने भी दिन बीत जाएं, किंतु मुझे आश्रम में प्रवेश करने से तुम रोक नहीं पाओगे। बस एक अवसर और बलि चढ़ जाएगी दोनों शिशुओं की इस शिशु भक्षी के हाथों। अपने लाड़लों को अंजन लगाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, छपकी कूद इस चीछे बचाऊंगी। छीछल बले हो जाओ मेरे लालो। अभी तो माता उत्साहित थी, फिर माता अकस्मात ही दुखी क्यों हो गई? प्रभु के श्री विग्रह को देखकर अश्रु निकल पड़े हैं माता के, ऐसा क्यों? आज तो चैत्र नवमी, अरे हाँ, चैत्र मास की नवमी को तो प्रभु श्री राम का जन्म दिवस है। कदाचित राम नवमी को स्मरण करके ही माता दुखी हो रही हैं। मेरे प्रभु का जन्म दिवस, अयोध्या में उत्सव, प्रभु के जन्मोत्सव में हनुमान न जा पाए, ये तो अनुचित है। मुझे तो जाना ही होगा, किंतु कुछ तो लेकर जाना चाहिए मुझे प्रभु के लिए। जय श्री राम। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, आज रामनवमी है, प्रभु का जन्म दिवस। आज मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हाँ हनुमान, बताइए क्या करना है। ऋषिवर, यदि माता के हाथों से बनी हुई खीर मिल जाए तो मैं उसी से प्रभु के जन्म दिवस पर उनका मुंह मीठा करा दूं। तो समय आ गया है, मुझे सतर्कता के साथ आश्रम के निकट ही रहना होगा। जैसे ही वानर जाएगा और मैं आश्रम में प्रविष्ट हो जाऊंगा। पुत्री, आज मेरा बहुत मन कर रहा है खीर खाने का, किंतु तुम्हारे हाथ की बनी हुई, बनाओगी ना अपने हाथों से खीर? अवश्य पितृवर, मैं अभी बना कर लाती हूँ। की है ये, आज अवश्य ही इन दोनों कोमल शिशुओं को अपना हार बनाऊंगा। प्रभु, आज अवश्य ही आपके दर्शन करूंगा, आपके जन्म दिवस पर आपके पास विशेष उपहार लेकर आएगा आपका ये हनुमान। राज्यों से कई राजा महाराजा आए हैं यहाँ।
सभी मेरे प्रभु को कुछ न कुछ भेंट दे रहे हैं। कहाँ है वो असीम सुख जो प्रभु दर्शन से मुझे सदैव प्राप्त होता था? कदाचित प्रभु के असीम दुख के कारण उनका ये तुच्छ भक्त भी दुखी है। महाराज श्री राम, ये भेंट आपके लिए आपके जन्मदिवस की शुभकामनाओं के साथ। संपूर्ण अयोध्या उत्साह में डूबा हुआ रामनवमी का उत्सव मना रहा है, किंतु स्वयं प्रभु श्रीहीन प्रतीत हो रहे हैं। प्रभु दुखी हैं, समस्त भ्राता भी दुखी हैं। प्रतीत होता है माता के जाते ही जैसे समस्त सुख चले गए हो भवन से। अब ये दुख और नहीं देख सकता मैं। प्रभु को सब कुछ बता दूंगा मैं कि माता वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम में है एवं उन्हें दो जुड़वा पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई है। प्रभु को कुछ तो प्रसन्नता मिले। पुत्र की ममता सबसे बड़ी होती है। यदि हनुमान ने श्री राम को लवकुश के बारे में बता दिया तो श्री राम स्वयं को रोक नहीं पाएंगे, वचन भंग के दोषी हो जाएंगे, उनका सारा त्याग व्यर्थ हो जाएगा, रघुकुल रीति समाप्त हो जाएगी। अब आज मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अब रुकूंगा नहीं। उपहार के रूप में उन्हें ऐसा समाचार दूंगा जो मेरे प्रभु को प्रसन्न कर देगा। इतने दिनों बाद भैया के मुख पर आई इस मंद मुस्कान का कारण ये धनुष है या कुछ और? मेरा हनुमान आ रहा है, मेरा हनुमान आ रहा है, मेरा हनुमान आ रहा है। इतने समय पश्चात प्रभु के दर्शन पाकर आज मैं तृप्त हो रहा हूँ। हनुमान, तुम क्या उपहार लाए हो मेरे लिए? आपके लिए प्रसन्नता का भंडार लाया हूँ प्रभु। माता सीता और आपके पुत्रों का समाचार आपको आनंद से भर देगा प्रभु। प्रभु, जिसे सुनने के लिए आप व्याकुल होंगे वो संवाद उपहार के रूप में लाया हूँ, किंतु कैसे बताऊँ आपको, मैं कहां से प्रारंभ करूं? आपसे विलग होकर माता। अच्छा पुत्र हनुमान, ये क्या कर रहे हो तुम पुत्र? क्या तुम रघुनंदन राजा राम को पुनः दुविधा में डालना चाहते हो? मेरे साथ उनके दो पुत्र आश्रम में पल रहे हैं, ये जानकर राजा राम स्वयं को रोक नहीं पाएंगे, वो दुर्बल पड़ जाएंगे। कदाचित ही हमें लौटा ले जाने के लिए वो दौड़े चले आएंगे। ऐसा हुआ तो मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम की मर्यादा खंडित हो जाएगी, प्रजा के मन में उनकी जो आस्था है वो खंडित हो जाएगी। ऐसा हुआ तो राजा राम राजधर्म की परीक्षा में असफल हो जाएंगे। पुत्र हनुमान, क्या तुम उन्हें विफल करना चाहते हो? स-
सोच क्या रहे हो हनुमान? बताओ क्या लाए हो? अरे तुम तो अभी भी नहीं बता रहे हो, क्या लाए हो मेरे लिए? हनुमान संकोच मत करो, क्या छिपा रखा है अपने हाथों में? बताओ मुझे, बताओ हनुमान। मेरे हाथ में तो बस खीर का एक कटोरा है प्रभु, इस भरी राजसभा में जहाँ सभी आपके लिए दिव्य और भव्य उपहार लाए हैं, मैं अपने प्रभु को खीर का कटोरा कैसे दूं? इधर से ही आ रही है शिशुओं की सुगंध, यही कहीं है वो दोनों। अपना हाथ बढ़ाओ हनुमान, दिखाओ मुझे क्या लाए हो। ये मेरा आदेश है। खीर, ये खीर कहाँ से लाए हो हनुमान? क्या उत्तर दूं मैं? प्रभु से ना सत्य बोल सकता हूँ और ना ही असत्य। व्यक्ति को भावुक बना सकती है, किंतु भावना में बहकर हमें अपने दिए वचन को नहीं भूलना चाहिए।